ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास। अब सेक्शन सी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी, हम एक मिनट वेट करेंगे ताकि जो स्टूडेंट वेटिंग रूम में है वो भी ज्वाइन कर लें। लास्ट वीक में हमने नॉलेज प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था, शुरू किया हुआ था हमने, और उसमें हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक में, इट वाज द फर्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स। इस टॉपिक में हमने जो है दो टेक्निक्स जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक में हमने जो है वो स्टडी की है। एक जो है वो सिमेंटिक नेटवर्क और दूसरी जो है प्रोडक्शन रोल्स। सिमेंटिक नेटवर्क में किसी भी रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को हम जो है विजुअली ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क, इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, हम जो है उसे शो करते हैं, और साथ में उसके हम जो है लॉजिक की स्टेटमेंट्स के जरिए, प्रेडिकेट लॉजिक के जरिए हम जो है उस इंफॉर्मेशन को हम जो है वो राइट डाउन भी करते हैं। सिमिलरली प्रोडक्शन रूल्स में हम जो है प्रोसीजरल नॉलेज को इफ देन के कंस्ट्रक्ट में हम जो है उनको राइट करते हैं, और इन्फ्रेंस इंजन जो है उन प्रोडक्शन रूल्स को यूज़ करता है और उन रूल्स को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो अभी हम जो है इंशाल्लाह इस वीक में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज सर्च, सर्च एज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कोई भी अगर आप एक जेनेरिक बुक ले लें, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ना हो, एक जेनेरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक हो, तो उसमें जो है सर्च का टॉपिक जो है वो मौजूद होता है। तो उससे पहले हम जो है असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो डेफिनेटली अभी हम डिस्कस करेंगे हमजा, ठीक है। जो लास्ट वीक वाली असाइनमेंट थी उसका सोल्यूशन जो है वो अभी हम जो है वो सर्च से पहले, सर्चिंग एल्गोरिदम्स पढ़ने से पहले उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों की जो है वो आई होप के पहली क्लास हुई होगी। एट थर्टी वाली ओके जी, एक दो स्टूडेंट्स और अभी ज्वाइन कर लें तो फिर हम जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले हम लास्ट वीक वाली असाइनमेंट का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो है अटेंडेंस मार्क करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हम जो है सर्चिंग एल्गोरिदम्स का हम डिस्कस करते हैं। और इस दौरान आपने कोई बात पूछनी हो तो आप जो है चैट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि आप जो है रोमन उर्दू की बजाय इंग्लिश में ही जो है वो आप वर्ड लिखें, मैसेज टाइप करें, ठीक है। और अगर इस दौरान किसी इश्यू की वजह से मेरा इंटरनेट बंद होता है, ठीक है, तो आपने मीटिंग के अंदर ही रहना है। मैं अल्टरनेट नेट कनेक्शन को यूज़ करते हुए वापस जो है वो जॉइन बैक कर लेता होता हूँ, ठीक है।
बाज़ औक़ात ऐसे होता है, तो आप कहीं से हम जो है फिर क्लास रिज्यूम करते हैं, और वो आपकी जो मीटिंग सेशन है वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है? ओके जी, सो सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, नाउ वी शुड डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट असाइनमेंट, प्रोडक्शन रूल वाली असाइनमेंट का हम सोल्यूशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद अटेंडेंस लगाएंगे, ठीक है? अभी 35 स्टूडेंट्स हैं, आई होप के 5-10 स्टूडेंट्स और भी जो है तब तक आ जाएंगे, ठीक है? ओके जी, सर्च को आज हमने डिस्कस करना है, लेकिन बाद में पहले हम आते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। और इसमें ये जो मैंने पैराग्राफ आपको दिया है, ये जो है पैराग्राफ आई एम नॉट श्योर कि मिड में था या फाइनल में था, बहरहाल लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम का ये पैराग्राफ था, क्वेश्चन जो है एज इट इज़ गिवन था, कि जिसमें प्रोडक्शन रूल्स हमने डिफाइन करने थे और इनपुट करना था मंथली इनकम को और डिस्प्ले करना था टोटल एनुअल इनकम टैक्स यूजिंग दिस क्राइटेरिया। ये स्लैब जो है वो टैक्स की दी गई हैं, ये सैम्पल एग्जीक्यूशन दी गई है, और इसमें अहम बात ये थी कि इसमें हमने ट्रेसिंग भी जो है वो करनी है, ठीक है? तो ये सैम्पल इनपुट दिया गया है और उसके अगेंस्ट आउटपुट शो किया गया है, नीचे उस लाजे के मुताबिक जो है ये वैल्यूज़ बन रही हैं, एनुअल इनकम ये बन रही है 5%, उस पर टैक्स एप्लीकेबल है, तो एनुअल इनकम से जब 5% मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टैक्स बन रहा है और ये एज ए आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी भी कैलकुलेशन में प्रोग्रामिंग में परसेंटेज की वैल्यूज हों तो आप उसे 5/100 ना किया करें, साथ ही आप उसे कैलकुलेट करके लिख दिया करें कि 0.05% मीन 0.05, तो आपने जो है 0.05 को ही यूज़ करना है एज ए 5%, ठीक है? इसीलिए इसी तरह से जब 7% होता है तो 0.07, 10% होता है तो 0.1, 100% होता है तो 1, 15% होता है तो 0.15, ठीक है? तो ये जो हमने यूज़ करनी है। इसका सोल्यूशन जो है अभी मैं आपको शो करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, ये इसका सोल्यूशन है। तो इसमें आप देखें कि जिस तरह से हमने मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दिया था, डिस्क्राइब भी किया था कि एक तो हमारा इनपुट का रूल हो गया, ठीक है, विच विल गेट वैल्यू फ्रॉम यूज़र, और दूसरा हमारा हो गया आउटपुट का रूल, और उसके बाद इसके जो बाकी रूल्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से आपके जो हैं वो लॉजिक में क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिए गए हैं कि भाई जितने आपके स्लैब्स हैं, स्लैब 1 रूल, स्लैब 2 रूल, स्लैब 3 रूल, स्लैब 4 रूल, स्लैब 5 रूल, 5 टैक्स की स्लैब्स हम उन्हें बोलते हैं, ठीक है? तो 5 टैक्स की स्लैब्स हैं, तो उनके लिए हर स्लैब के लिए हमारा हर स्लैब जो बेसिकली इफ देन का कंस्ट्रक्ट है, तो हर स्लैब के लिए हमारा जो है वो एक रूल जो है वो बना हुआ है, ठीक है? और ऑपरेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एंड ऑपरेटर जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारी कन्वेंशन ये है, ये अगर आपने और ऑपरेटर यूज़ किया है तो मैं ज़रा उसे चेक करूँगा कि क्या बाकी चीज़ें जो है थोड़ा सा कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। नॉर्मली हमारी कन्वेंशन ये है कि ये देखें कि इन दो कंडीशंस के दरमियान लॉजिकली एंड होता है, इसलिए हम एंड यहाँ पे जो है वो लिखते नहीं हैं, ठीक है? और इसमें जो है ये इस कंडीशन में और इन दो कंडीशन में जो है वो लॉजिकली और का रिलेशन है, एक रूल या ये रूल एग्जीक्यूट होगा या ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, लॉजिकली ऑल दीज रूल्स आर एल्स पार्ट और रिलेशन में है इनकी कंडीशंस, ठीक है? तो वो मैं चेक करूंगा कि आपका अगर आपने एंड और ऑपरेटर यूज़ किए हैं एक्सप्लिसिटली तो फिर मैं देखूंगा कि थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट है सोल्यूशन या नहीं है, अगर कंसिस्टेंट होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है? अच्छा जी, तो ये डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया ना लास्ट ईयर जब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, सॉल्व किया था, तो उनके सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छे नीट और एल्गोरिदमिक, बेसिकली हम ये एल्गोरिदम ही कर रहे हैं ना, इट इज़ लाइक एन एल्गोरिदम, ठीक है? तो ये हमारे एल्गोरिदम्स की तरह से हैं, तो हम जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि पहला रूल तो बिल्कुल उसी तरह से है कि जी स्टार्ट का सिंबल हमने जो है वो इंसर्ट करना है और स्टार्ट से हमने शुरू करना है, रीड करना है, और इसमें अलबत्ता मैंने क्या किया है कि इनपुट करते हुए इनकम को मैंने ईयरली इनकम में कन्वर्ट कर दिया है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है? मैंने जो है मंथली इनकम को पहले इंसर्ट नहीं किया, ईयरली इनकम का अलहदा से रूल नहीं बनाया, उधर ही मैंने जो है से ईयरली इनकम में 12 से मल्टीप्लाई करके इंसर्ट कर दिया विद द सिंबल इनकम, इनकम के सिंबल के साथ, ठीक है? इस वैल्यू को मीनिंग देने के लिए हम साथ में कोई ना कोई सिंबल भी इंसर्ट करते हैं ना मेमोरी में। तो आगे वाले रूल जो हैं वो इनको पिक करेंगे कि अगर इनकम के आगे जो वैल्यू है इट इज़ लेस देन 400,000 तो फिर जो है ये वाला रूल टैक्स जो है वो जीरो है, ये इंसर्ट हो जाएगा।
अगर इनकम जो है वो लेस देन 500,000 है और ग्रेटर देन फोर, अब ऑब्वियसली ये मतलब बताने की बात नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड इट कि लेस देन इक्वल भी यूज़ हो सकता है। अगर आप ये वन की बजाय जीरो डाल दें तो इधर पे लेस देन इक्वल यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया में जो है ये क्लियर है कि 500,000 जो है वो किस लैब में जो है वो वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है ये वाली कंडीशंस होंगी, और इनकम में लेस देन 700,000, ग्रेटर देन 500,000, देन टैक्स वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड बाय द 7%, देन 10%, देन ऑब्वियसली 15%, और इसमें अपर लिमिट कोई नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन हमने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी इसको हम जरा थोड़ा सा ट्रेस करके देखते हैं, आई होप कि फिर आपको जो है वो समझ आ जाएगा। So obviously we will start with the inserting the start symbol. Start symbol insert करने से हम शुरू करते होते हैं, memory में ये start insert कर देता है। उसके बाद हमारी convention ये है, तरीका ये है, सारी examples में हमने किया था कि हमने जो है वो run का जो है वो command call करते हैं तो inference engine जो है वो run हो जाता है, inference engine जो है वो run हो जाता है, ठीक है। और फिर जो है बारी बारी, पहले ये वाला रूल जो है वो एक्सिक्यूट हो रहा है क्योंकि स्टार्ट का सिंबल मेमोरी में मौजूद है, ठीक है। इन्फ्रेंस इंजन चेक तो सबको कहता है, लेकिन ये पहला रूल जो है पहली मरतबा मैच हो जाता है और ये वैल्यू यूज़र से मैसेज डिस्प्ले करेगा और वैल्यू इनपुट करेगा। तो फर्ज करें यूज़र वही उसी तरह से 400,000 इंटर करता है, तो 400,000 मल्टीप्लाइड बाई 480,000 बन जा 480,000 बन जाता है, जब हम से 12 से मल्टीप्लाई करें 480,000 बन जाता है, ठीक है। अगर ये 40,000, ये 40,000 यूज़र ने एंटर किया और 480,000 जो है वो मेमोरी में ये कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रिमूव वन की कमांड स्टार्ट वाले सिंबल को इस डाटा आइटम के साथ मैच कर रहा है, इसको जो है ये रिमूव कर देगी, ठीक है। पहला रूल जब एग्जीक्यूट हो गया, इनपुट रूल जब एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके बाद जो है इनकम वाले रूल जो हैं ये मैच हो सकते हैं। इनमें से हम देखते हैं किसकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। ये इनकम एक्स जो है 4800,000 से जो है 480,000 से जो है वो मैच कर ले, 480,000 से मैच तो कर रहे, लेकिन इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 10,000, इट नॉट ग्रेटर देन 7,000, ठीक है। इट इज़ लेस देन 10,000, ठीक है। ये 1,000,000 से लेस तो है लेकिन ये ग्रेटर नहीं है, इसकी एक कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। इसकी कोई कंडीशन नहीं ट्रू हो रही है, एक इसकी फॉल्स हो रही है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसकी जो है ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, 4,80,000 जो है वो 7,000 है, 7,00,000 से लेस तो है ना, ठीक है। सिमिलरली ये जो है 5,00,000 से लेस है और 4,00,000 से जो है वो ग्रेटर है, 4,80,000 जो है। तो इस रूल की दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही हैं, और उसमें पॉइंट ये है कि ये डाटा, ये जो कंडीशन है, ये जो पैटर्न है, ये जो कंडीशन है, ये भी इसी डाटा आइटम से मैच हो रही है, और ये वाली दूसरी कंडीशन भी इसी सेम डाटा आइटम से जो है वो मैच हो रही है, ठीक है। और इन दोनों कंडीशन में वेरिएबल एक्स की वैल्यू जो है वही सेम वैल्यू है, ठीक है, और ये इस कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। तो इट्स वेरी सिंपल, हमारा ये वाला रूल जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसमें जो टैक्स हमारा कैलकुलेट हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि 0.05 से हमने साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा जो है 24,000 टैक्स जो है टैक्स के सिंबल के साथ, इस वैल्यू को मीनिंग देने के लिए हमने साथ में कुछ सिंबल भी हमने इंसर्ट करना है, तो हमने टैक्स का सिंबल जो है वो इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है मेमोरी में जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में जो है वो यहाँ पे हमारे पास टैक्स के सिंबल के साथ वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद रिमूव वन जो है इसी डाटा आइटम को रिमूव करेगा जो कि इससे मैच कर रहा है, पहले वाली कंडीशन से मैच कर रहा है। रिमूव वन की बजाय अगर रिमूव टू भी करें तो एल्गोरिथमिकली दैट विल ऑल्सो बी फाइन, वो भी जो है वो सही होगा लॉजिकली, ठीक है। अच्छा जी, तो रिमूव वन ने इनकम वाली एक्सप्रेशन को रिमूव कर दिया। अब कोई इनकम वाला एक्सप्रेशन जो है वो मैच नहीं हो सकता बिकॉज वी डोंट हैव द इनकम सिंबल इन द वर्किंग मेमोरी। तो अभी जो है वो टैक्स का सिंबल है, ये टैक्स के लिए ये वाला रूल मौजूद है, एक्स की वैल्यू 24,000 से मैच हो जाएगी और एनुअल टैक्स इज इक्वल टू 24,000 आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जीक्यूशन, इसमें ना कोई लूप है ना कोई ज़्यादा जो है कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तीन रूल हमारे कोई ना कोई एग्जीक्यूट होंगे, जो मर्जी है यूज़र इनपुट दे दे, इनमें से कोई तीन रूल, इनपुट वाला, आउटपुट वाला और इन स्लैब में से कोई एक रूल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल, आपका सोल्यूशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है और सही भी हो सकता है, ठीक है, विद स्लाइट वेरिएशन। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात आप पूछना चाहें,
तो आप जो है वो चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी को इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, देखें क्वेश्चन स्टेटमेंट में बहुत बड़ा पैराग्राफ गिवन है, तो देख के जो है वो यू कैन गेट अफ्रेड के भाई ये जो है पता नहीं क्या हमें करना पड़ जाए। अदरवाइज द सोल्यूशन और द प्रॉब्लम इटसेल्फ इज़ वेरी सिंपल एंड द सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल, अगर आप जो है उसके लॉजिक के पैटर्न को, इस एल्गोरिदम को जो है अगर आप समझ लेते हैं तो। ठीक हो गया जी, अभी हमारे पास जो है सफिशेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब है आई विल अज्यूम कि आपको जो है ये समझ आ गया है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो मिड में भी होगा, चाहे फेस टू फेस एग्ज़ाम हो या ऑन कैंपस एग्ज़ाम, फेस टू फेस या ऑन कैंपस एग्ज़ाम हो या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, ठीक है, इसका क्वेश्चन मिड में भी होगा और ज़्यादा चांसेस यही है कि इसका क्वेश्चन जो है वो फाइनल में भी होगा जी, इस टेक्निक का, ठीक है। तो आपने थोड़ी बहुत मजीद जो है वो अपनी तरफ से प्रैक्टिस जो है वो करनी है, ठीक है। नाउ आई मे मार्क योर अटेंडेंस, अटेंडेंस में आपकी मार्क कर लेता हूँ जी, दिस इज सेक्शन सी, ठीक है। किन्ज़ा इजाज़ तक जो है मेरे पास लिस्ट में अभी मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है सजील कमर तक के स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर रजिस्ट्रेशन नंबर वो मेरे पास पार्टिसिपेंट लिस्ट में मौजूद हैं। सजील कमर से आगे वासिफ वहीद तक जी, सॉरी उससे भी आगे मौजूद हैं, सैयद हसनैन अली शाह तक, ठीक है, सैयद हसनैन अली शाह तक। टोटल ये हमारे पास 41 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास ऑन टाइम। नाउ लेट मी सेव द अटेंडेंस फाइल, योर सेक्शन इज 6C, अटेंडेंस रिकॉर्ड वीक 6 लेक्चर 11, ये आपका इस वीक का पहला लेक्चर है, कल इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर होगा एंड टुडे 6th of April एंड टाइम इज 10:00 तकरीबन, हमारे पास 20 मिनट हुए हैं। ओके जी, तो आप लोग में अटेंडेंस मार्क हो गई है, तो आपके सी आर का नाम सॉरी मैं भूल गया हूँ, जरा हाथ खड़ा करें या मैसेज करें सी आर। ओके जी, अब्दुल्ला, आई शुड 951, आई शुड हैव रिमेम्बर्ड इट। ओके जी अब्दुल्ला, आगे चलें फिर, समझ आ गया। ओके जी गुड, ओके जी, तो आज हम जो है अच्छा जी अभी आगे चलते हैं, ठीक है, और हमारे पास और कौन से स्टूडेंट्स हैं, लेट मी सी द लिस्ट। ओके जी आगे चलते हैं, सर्च एज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसमें आप देखें कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हमारे पास डाटा स्टोर्ड होता है, मटेरियल स्टोर्ड होता है, तो हमने उसको अपने रिक्वायर्ड मटेरियल को हमने जो है लाजमी तौर पे फेच करना होता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल फ्रॉम द डाटा फ्रॉम द नॉलेज इज नोन एज सर्चिंग, ठीक है, इज नोन एज सर्चिंग। तो उसके लिए डेटाबेस में आप क्यूरी लगाते हैं, बैक एंड पे कोई ना कोई एल्गोरिदम जो है एग्जीक्यूट होता है और अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया आपको जो है वो इंफॉर्मेशन फाइंड करके जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखें कि सर्चिंग इज द प्राइम, सबसे जो प्रोसेसिंग में सबसे अहम काम है वो यही रिक्वायर्ड मटेरियल को सर्च करना है, ठीक है। आप जो ATM मशीन पे जाते हैं, विद इन सेकेंड जो है वो थाउजेंड मिलियंस ऑफ अकाउंट में से आपका जो अकाउंट है वो एक्सेस होना चाहिए। आप ईमेल में लॉग इन करते हैं, मिलियंस ऑफ अकाउंट में से जो है
आपका ईमेल जो है वो विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है वो लॉग इन होना चाहिए, पासवर्ड मैच होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए यह है कि सर्चिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे आप मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, हार्डवेयर से रिलेटेड आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है, ये सर्चिंग जो है ये कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी सारे सब्जेक्ट के लिए। और जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर द इंटेलिजेंट एंटिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, तो उसमें जो है हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास माइंड में जो है वो नॉलेज होता है, और चाहे वो सॉफ्टवेयर सिस्टम हो या ह्यूमन बीइंग हो, तो उसमें देखें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगा तो सिस्टम जितना मर्जी है इंटेलिजेंट हो, सिस्टम जितना मर्जी है एफिशिएंट हो, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे अगर आप मेडिकल डॉक्टर को कहते हैं कि वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम पाइथन में लिख दे, ठीक है, तो आप में से जो बहुत ही वीक स्टूडेंट होगा वो भी लिख लेगा, लेकिन मेडिकल डॉक्टर जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, मेरिट बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, आप उनके टैलेंट और पोटेंशियल इंटेलिजेंस को जो है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उस पर हमें कोई डाउट नहीं है। बट सिंस दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दिस डोमेन, दे कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग डोमेन और सॉफ्टवेयर डोमेन और कंप्यूटर साइंस डोमेन, ठीक है। अच्छा, नॉलेज का होना मस्ट है, और फिर अगर नॉलेज रिट्रीव ना हो, वर्किंग मेमोरी में ना आए, देन स्टिल यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने को एक प्रॉब्लम मिलता है, आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा, या कोई टेक्निक या वो चीज़ आपको जहन में नहीं आ रही, जिसे हम कहते हैं ना जहन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि बैक एंड स्टोरेज में से रैम में डाटा नहीं आ रहा, वर्किंग मेमोरी में डाटा नहीं आ रहा, देन इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यू कैन नॉट, स्टिल यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में और बाकी जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये सर्चिंग जो है ये कॉमन जो है ये टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये है कि जब आपका सिस्टम रन करता है तो फिर जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम डाटा और नॉलेज और मटेरियल इज इंक्रीज्ड, विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना सिस्टम यूज होता जाता है उतना जो उसमें अकाउंट्स बनते जाते हैं, यूजर्स का डाटा आता जाता है, और डाटा जो है वो हमारा इंक्रीज होता जाता है। सिमिलरली एज ए ह्यूमन बीइंग जितना आप जो है अपने डोमेन में काम करते जाते हैं उतना आपका नॉलेज जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अब उसमें यह है कि फ्रेश ग्रेजुएट का नॉलेज का लेवल थोड़ा फ़र्क होता है, फिर जब आप 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप स्टिल आप जो है चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, और हम इसे बोलते हैं कि जी नॉलेज जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, अब इसमें क्योंकि यह है कि डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो लीनियर होती है, ठीक है, कि डाटा में एक टेबल में अगर आप DBMS यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है मुझे ये बताएं कि जब हमारे पास हंड्रेड ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, क्यूरी का रिस्पांस टाइम थोड़ा बहुत ही फास्ट होगा, जब रिकॉर्ड हमारे पास थाउजेंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो जाते हैं किसी भी टेबल में, तो फिर हमारा क्यूरी का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, एफिशिएंसी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम, सॉरी, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, विद द इंक्रीज इन डाटा। हाउएवर ये अपोजिट है जब हम नॉलेज की बात करते हैं, कि एक प्रोग्रामर जब फ्रेश ग्रेजुएट है उसे कोई आप टास्क देंगे तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, जबकि अगर आप किसी एक्सपर्ट प्रोग्रामर को आप जो है वो टास्क देंगे जिसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका होगा, उसका नॉलेज इंक्रीज हो चुका होगा, तो मटेरियल उसके माइंड में इंक्रीज हो चुका है, लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ गई है, एक्यूरेसी भी बढ़ गई है, और एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। तो रियल वर्ल्ड में ऐसे होता है कि नहीं होता? जब हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग का नॉलेज जो है वो इंक्रीज करता है, नॉलेज इंक्रीज करता है ना, तो फिर उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, उनका रिस्पांस टाइम कम हो जाता है, बहुत जल्दी वो जो है वो सोल्यूशन आपको दे सकते हैं, और उनकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, जबकि ये आपके कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम में जो है ये अपोजिट होता है। उसकी एक जो एक कॉमन सेंस रीज़न जो समझ आती है वो ये है कि उसकी जो कॉमन सेंस हमें रीज़न समझ आती है वो ये है कि जब नॉलेज में इजाफा होता है, ठीक है, तो नॉलेज का मतलब होता है कि आपके नए नोड्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं,
नए नोड जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके नए लिंक्स भी ऐड हो रहे हैं तो ये भी जो है ये नॉलेज में इंक्रीज ऑफ नॉलेज को जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि एग्जिस्टिंग नोड्स के दरमियान अगर लिंक्स भी नए बन रहे हैं तो आप जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये नॉलेज में इजाफा हो रहा है, ठीक है। आप कहते हैं ये टेक्निक इस प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ हो सकती है, ये टेक्निक इस प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ हो सकती है, मतलब आपके लिंक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जब नए लिंक्स आ जाते हैं तो फिर इन्फ्रेंस इंजन को आपके थाट प्रोसेस को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ठीक है, और आपका थाट प्रोसेस जो है इट कैन क्विकली गिव यू द सोल्यूशन, इट कैन क्विकली गिव यू द सोल्यूशन बिकॉज ऑफ द न्यू लिंक्स। तो ये एक रीज़न हो सकती है कि जब ह्यूमन बीइंग का नॉलेज इंक्रीज होता है तो उनकी एफिशिएंसी जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एफिशिएंसी जो है वो भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो नॉलेज हमारे पास, हमने देखा था कि ग्राफिकल अगर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल लेवल पे, वो किसी भी फॉर्म में उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर टूल, लेकिन ग्राफिकली जब हम उसे विजुलाइज करते हैं तो वो हमारा नॉलेज जो है किस फार्म में होता है, सिमेंटिक नेटवर्क की फार्म में होता है। उसमें नोड्स के सिंबल्स होते हैं और डायरेक्टेड लिंक्स होते हैं, डायरेक्टेड एरोज होते हैं, उनके ऊपर जो है उनके रिलेशनशिप्स के जो है वो लिंक्स होते हैं, ठीक है। तो हम जो सर्चिंग करेंगे उसमें हम ये करेंगे कि एज ए इनपुट जो है हम एक ग्राफ देंगे, एक नेटवर्क देंगे, और वो जो नेटवर्क है या वो जो ग्राफ है वो क्या होगा, वो जो है जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन होगी फॉर एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो हमारा सिमेंटिक नेटवर्क होता था वो तो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो कर होता था, ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक नोड्स होते थे। इसमें हम नोड्स के नाम भी अल्फाबेट्स यूज कर लेंगे, जेनेरिक इंफॉर्मेशन होगी, और वो ग्राफ हमारा जो है वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिफरेंट स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, वो जो है आपके कंप्यूटर के ऊपर डाटा स्टोरेज, फाइल्स के स्टोरेज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो आपका जो है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ग्राफ, वो आपके ट्रैवलिंग प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो आपके जो है लाइफ के गोल्स को भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। सो दैट विल बी वेरी जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन जो हम एज ए इनपुट देंगे टू दी सर्चिंग प्रोसेस, और सर्चिंग प्रोसेस और साथ में हम उन नोट्स के ऊपर जो है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लेबल्स, अगर हम लेबल यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें इन्फ्रेंस इंजन लिखना पड़ेगा, अगर हम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, सिमेंटिक नेटवर्क में हमने कुछ जगहों पे वैल्यूज़ यूज़ की थी जहाँ पे हमारे पास काउंट की वैल्यू आ रही थी या कोई नंबर्स आ रहे थे तो, या कोई डेट की वैल्यू थी वो हमने यूज़ की थी, ठीक है। लेकिन यह है कि हम जो इनपुट ग्राफ सर्चिंग प्रोसेस को दोगे उसमें हमारे पास नंबर्स होंगे और सर्चिंग एल्गोरिदम जो है उन नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर सर्चिंग, ठीक है। तो इसमें सर्चिंग एल्गोरिदम्स को हम बेसिकली दो कैटेगरी में, जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे उनको हम जो है दो कैटेगरीज में जो है वो हम डिवाइड करते हैं। एक वो एल्गोरिदम्स हैं जो कि हमें सम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, सम मीन एनी, दैट मे बी गुड और मे नॉट बी गुड, दैट मे बी ऑप्टिमल और मे नॉट बी ऑप्टिमल। तो यहाँ पे हम उसे सम पाथ कह रहे हैं, इसको हम जो है वो सम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, हम जो है वो सम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं कि सम पाथ और सॉल्यूशन, सम पाथ और सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सम पाथ और सम सॉल्यूशन एल्गोरिदम्स हैं जिनमें डेप्थ फर्स्ट सर्च, हिल क्लाइंबिंग सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बीम सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ये जो है इंशाल्लाह इस वीक में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो और एल्गोरिदम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीक में स्टडी करेंगे और इन दो वीक्स में हमारा सर्च का टॉपिक जो है कम्प्लीट हो जाएगा। इसमें ये जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है ये ब्लाइंड सर्चिंग टेक्निक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम ये भी ब्लाइंड सर्चिंग एल्गोरिदम है, मतलब दे डोंट यूज एनी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द सर्चिंग प्रोसेस। हिल क्लाइंबिंग, बीम सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च, दीज आर इनफॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक्स, दे यूज सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द सर्चिंग प्रोसेस, और इस इंफॉर्मेशन यूज करने की वजह से ये थोड़ा क्विकली जो है वो गोल पे पहुंच जाते हैं। अगरचे हर नोट हर लेवल पे प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन यूज हो रही होती है, ठीक है, लेकिन यह है कि ये जो है क्विकली जो है नंबर ऑफ आइट्रेशन के लिहाज से जो है वो कम एफर्ट जो है इनकी होती है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि एज ए ह्यूमन बीइंग क्या हम जो है ये ब्लाइंड सर्चिंग करते हैं रियल वर्ल्ड में या हम जो है इन्फॉर्म सर्चिंग करते हैं जी, एनी कमेंट। रियल वर्ल्ड में जब हम सर्च करते हैं तो क्या हम ब्लाइंड सर्चिंग करते हैं या इन्फॉर्म सर्चिंग करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं। एसन रजा इज सेइंग दैट वी यूज इन्फॉर्म सर्चिंग। एनी अदर कमेंट जी, एनी अदर स्टूडेंट? इन्फॉर्म सर्चिंग। बुशरा रहमान इज सेइंग वी यूज इन्फॉर्म सर्चिंग। अच्छा जी, कभी हम ब्लाइंड सर्चिंग भी करते हैं? अब्दुल्ला इज सेइंग ब्लाइंड सर्चिंग। अजी अब्दुल्ला, ब्लाइंड सर्चिंग करते हैं आप किसी ऐसी सिचुएशन में? और जी एनी वन एल्स? दोनों करते हैं जी। इफ वी डोंट नो द एग्जैक्ट सिचुएशन देन वी यूज ब्लाइंड सर्चिंग। ठीक है, अच्छा ब्लाइंड सर्चिंग का मतलब क्या है? देखें, इसे हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। कंप्यूटर जो है जब ब्लाइंडली इट ट्राई टू हाँ जी, हमजा इज सेइंग इट इज इम्पॉसिबल टू सर्च एनीथिंग विदाउट इंफॉर्मेशन। हमजा इज सेइंग कि ऑब्वियसली वी ऑलवेज यूज इन्फॉर्म सर्चिंग। हमजा इज ऑफ द ओपिनियन कि हम जो है लाजमी तौर पर इन्फॉर्म सर्चिंग करते हैं। तो इसमें अब्दुल्ला इज सेइंग दैट वी डोंट नो द एग्जैक्ट सिचुएशन देन वी यूज ब्लाइंड सर्चिंग। अच्छा अब इसमें देखें ब्लाइंड सर्चिंग का मतलब क्या है? ब्लाइंड सर्चिंग का मतलब यह है कि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड यू आर लीनियर सर्च इज ए ब्लाइंड सर्चिंग टेक्निक। लीनियर सर्च इज ए ब्लाइंड सर्चिंग, ठीक है। बाइनरी सर्च इज ए इन्फॉर्म सर्चिंग टेक्निक। बाइनरी सर्च में आप वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बाइनरी सर्च इज इन्फॉर्म, लीनियर सर्च इज ब्लाइंड। अच्छा अब कंप्यूटर में क्योंकि आपके पास डाटा होता है, चाहे वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड भी हो, तो कंप्यूटर जो है ब्लाइंडली एक एक रिकॉर्ड को चेक कर सकता है, ठीक है। लेकिन स्टिल इट विल टेक, अगर आपके पास रिकॉर्ड हो तो उसमें भी मिनट्स लग सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल टाइम नहीं होगा। लेकिन कंप्यूटर्स पावरफुल होते जा रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं, तो दे कैन परफॉर्म ब्लाइंड सर्चिंग अप टू सर्टेन लेवल, ठीक है। आप देखें ब्लाइंड सर्चिंग का क्या मतलब है? आप फर्ज करें BIT में जो है, फर्ज करें फेस टू फेस टीचिंग है, कैंपस ऑन है। आप BIT में अभी 1-2 साल पहले, उससे पहले जो आप होते थे, अभी आप 6 सेमेस्टर में ज़्यादातर आपने फेस टू फेस जो है वो एजुकेशन ली है। तो जब आप कैंपस में इंटर होते हैं, आप कहते हैं जी मैंने अपने दोस्त को सर्च करना है, तो फिर आप कैसे सर्च करते हैं? आप जो है ब्लाइंड सर्च का मतलब यह है कि अब उधर आप गेट से शुरू हो, जो पहली लैब्स हैं उनको आप देखें, फिर साथ वाली लैब को देखें, साथ में दूसरी लैब को देखें, फिर आगे एक एक रूम को आप देखते हैं और फिर आप अपने दोस्त को सर्च करें। कभी ऐसे हुआ है? मेरा नहीं ख्याल कभी ऐसे हुआ होगा। आप जो है क्या करते हैं? इन्फॉर्म सर्चिंग करते हैं। आप जो है सबसे पहले जो है आप तो ये करेंगे कि आपको पता है अभी ये जो है टाइम टेबल के मुताबिक ये अभी जो है ये क्लास का टाइम है, तो माई फ्रेंड विल बी इन क्लास, आई एम लेट, आई शुड रीड द क्लास क्विकली। आप जाके, मेरे दोस्त ने मेरे लिए चेयर रखी होगी, मैं उधर जाके बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी जो है उधर जाने की कोशिश करें। या आप पता है जी भी आपका दोस्त जो है वो क्लास में नहीं जाता, वो कैफेटेरिया में बैठा होगा, तो आप जो है उधर चले जाते हैं, ठीक है। आप कैफेटेरिया में जाते हैं, वहाँ पे भी आपको नहीं मिलता, फिर आप क्या करते हैं टेक्स्ट या मैसेज कॉल करते हैं, कॉल कर लेते हैं, मोबाइल जो है वो बंद जा रहा है, टेक्स्ट जो है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, फिर क्या करते हैं? फिर आप क्या करेंगे? हाँ जी एनी कमेंट कि आपका दोस्त जो है वो क्लासरूम में भी नहीं है, कैफेटेरिया में भी नहीं है। आपने जो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज की बेस पे भी आप जो है वो कर रहे हैं, और रियल टाइम पे भी आप नॉलेज गेट कर रहे हैं। रियल टाइम पे नॉलेज गेट कैसे कर रहे हैं कि हाँ लाइब्रेरी में, बिल्कुल ठीक, लाइब्रेरी में आप जा सकते हैं, ठीक है। और रियल टाइम पे आप कैसे नॉलेज गेट करने की कोशिश कर रहे हैं? मैसेज कर रहे हैं ना, अभी उसे आप मैसेज कर रहे हैं, आप उसे कॉल कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? एक और टेक्निक भी है कि आप क्लास फेलोज से पूछेंगे, अपने बाकी दोस्तों से पूछेंगे, अच्छा जी अगर आपका कोई क्लास उस वक्त नहीं हो रही, आपके क्लास फेलो जो है वो बाहर फिर रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो आप जो है क्लास फेलो से पूछेंगे। यू आर गेटिंग, कोई आपको गैस अंदाजे से बताएगा, कोई आपको हो सकता है कंक्रीट इन्फॉर्मेशन ना दे, ठीक है, बट स्टिल यू आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। आप जो है जाके अल्टीमेटली अगर कहीं से भी पता नहीं चलता, आप जो है बैठ जाएंगे लाइब्रेरी में या कैफेटेरिया में, खुद बैठ जाएंगे, आप वेट करेंगे, आप कहेंगे कि अभी जो है शायद वो ना आया हो कैंपस में। यू विल नॉट परफॉर्म द ब्लाइंड सर्चिंग, ठीक है। अच्छा इसी तरह से आप फर्ज करें, आपका दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आप फर्ज करें आपका जो है मोबाइल फोन जो है वो गुम जाता है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे रखा होगा, अच्छा मैं यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे बैठा था।
यू विल नॉट सर्च ब्लाइंडली, चाहे आप घर में हो या ऑफिस में हो या यूनिवर्सिटी में हो, आप जब ब्लाइंडली सर्च नहीं करेंगे। आप फिर जो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है, आप किसे कहेंगे ज़रा मुझे मिस कॉल दे दें ताकि जहाँ पे भी हो उसकी आवाज़ जो है वो आ जाए, ठीक है। तो हम जो है ब्लाइंड सर्चिंग बहुत रेयर सिचुएशन है कि हम जो है बिल्कुल टोटली जो है वो अंधाधुंध जो है हर एक चीज़ को देखना शुरू कर दें, ठीक है। वो बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है, ठीक है, बहुत ही रेयर सिचुएशन है ब्लाइंड सर्चिंग, ठीक है। वो तो ऐसे है जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज किसी जगह को सर्च करें तो वो फिर ब्लाइंडली सर्च करते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जी सारी जगहों को जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो वो जो है बहुत ही रेयर सिचुएशंस होती है जब ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म द ब्लाइंड सर्चिंग। आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, तो आप क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। रोड साइंस भी आपको रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, गूगल मैप भी आप यूज़ कर सकते हैं टू रीच एनी डेस्टिनेशन, ठीक है। और नहीं तो जब ये चीज़ें नहीं होती थी तो आप जो है क्या करते होते थे, ठीक है, हाँ, जब हम जो है तो फिर हम ये करते थे कि हम जो है वो किसी से पूछते होते थे कि भाई अच्छा जी फलां जगह किस तरफ है रास्ते में, जहाँ पे गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा, सिग्नल्स नहीं है, रोड साइंस भी क्लियर नहीं है, तो फिर आप जो है वो पूछते होते हैं। फर्ज करें आपकी अगर कोई चीज़ ऐसी गुम हो गई है, नॉट ए मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन तो थोड़ा रिस्पॉन्सिव होता है, कोई आपकी वॉच वगैरह गुम हो गई है, तो आप जो है ब्लाइंड सर्च का मतलब ये है कि आप जो है एक कमरे को देखें फिर दूसरे को देखें इररिस्पेक्टिव ऑफ दी प्रीवियस इंफॉर्मेशन और नॉलेज, ठीक है ना। आप जो है सारी जगहों को जो है वो कर रहे हैं, आप तो देखते हैं ना कि भाई अच्छा अभी मैं यहाँ पे बैठा था तो यहाँ पे जो है मेरी वॉच रखी होगी, ठीक है। अच्छा फिर आप जो है वो पूछ भी सकते हैं ना अपने रूममेट से या दोस्त या घर वालों से कि भाई अच्छा मेरी वॉच देखी या नहीं देखी, आप पूछते हैं ना। तो ये तो नहीं होता कि आप जो है ब्लाइंडली सर्च करें, ठीक है। तो बहुत अगर वो हो जाता है कि कोई चीज़ मतलब बिल्कुल ही नहीं होती, फिर आप जो है वो आपकी सर्च जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लाइंड होती जाती है व्हेन यू आर नॉट एबल टू गेट एनी इंफॉर्मेशन। तो जब इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं तो फिर तो वो खुद से ही ब्लाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकती है बट डिपेंडिंग अपॉन, मैंने कहा ना करते हैं लेकिन बहुत ही रेयर सिचुएशन में, जब व्हेन वी आर नॉट एबल टू गेट एनी इंफॉर्मेशन। बट ये हमारी इंटेलिजेंस की क्वालिटी है कि हम जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, और फिर अगर कहीं से इंफॉर्मेशन ना मिले ना तो एक इंफॉर्मेशन और भी होती है जिसे हम बोलते हैं गैस करना। गैस करना भी होता है ना कि आप जो है अंदाज़ा लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं, अच्छा भी ये चीज़ ये ऐसे होगी, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ सर्च कर रहे हो, आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो उसमें भी आप गैस करते हैं। आप जो है वो फर्ज करें आप वो शॉर्ट क्वेश्चंस में तो गेस बहुत अच्छे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं, ए बी सी डी ई, चार पांच ऑप्शंस जो है गिवन होते हैं, तो आपने जो है एक को टिक करना होता है, तो आपको सोल्यूशन का आंसर नहीं मालूम होता, इधर उधर से भी आपको हेल्प नहीं मिल सकती, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप गेस करते हैं ना, ठीक है। और गेस जो है वो भी एक तरह से आपकी इंट्यूटिव जो है वो फीलिंग होती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होती, तो उसमें डिफरेंट टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जब जो है किसी स्कॉलरशिप का किसी उसका इम्तिहान मैं देता था तो ज़्यादातर जो है वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, चॉइस वाले होते हैं कि ए बी सी डी में से कोई आप सिलेक्ट करें, तो मुझे जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आते थे उन्हें मैं पहले सिलेक्ट कर लेता, ए बी सी डी जो भी आंसर्स होते सारे क्वेश्चंस में। अच्छा उसके बाद जो रह जाते थे मैं ये देखता था कि भाई जो पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, जो मर उसको मैं देख लेता था। फिर जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते होते थे उन सब में मैं एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करता था, ठीक है, या बी या ए या सी या डी, डिपेंडिंग अपॉन के प्रीवियस अकरेंसेस किस ऑप्शन की ज़्यादा हैं, तो उसमें से लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ जो है वो नंबर्स आ जाते थे, ठीक है। तो अगर आप उसमें आप रैंडम अप्रोच यूज़ करें तो फिर उसमें नंबर आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स विच ह्यूमन बीइंग यूज्ड व्हेन वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। अच्छा कुछ सर्चिंग एल्गोरिदम्स जो दूसरी कैटेगरी है जो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। ब्रिटिश म्यूजियम सर्च, ब्रांट एंड बाउंड सर्च विद अंडर एस्टिमेट एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ए स्टार सर्च, ये एल्गोरिदम्स भी हम जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा जब आपने कोई काम जो है एक दफ़ा करना हो तो फिर आपके लिए सम सॉल्यूशन इज़ वैलिड। व्हेन यू हैव टू डू एनी टास्क मल्टीपल टाइम्स, अगर आपने किसी जगह पे एक जगह जाना हो तो फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी रोज़ाना आना है तो फिर आप देखते हैं जी बेस्ट सॉल्यूशन क्या है,
यूनिवर्सिटी पहुंचने का, लास्ट मिनट चल रहा है आपने ज्वाइन बैक कर लेना जी, मीटिंग जो है किसी वक्त भी ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है हमें रियल लाइफ में बहुत सारी जगहों पे चाहिए होता है, व्हेन वी नीड टू परफॉर्म सेम टास्क अगेन एंड अगेन। आप कहते हैं कि जी अच्छा गाड़ी पे ज़्यादा टाइम लग जाता है, मैं बाइक पे जाऊंगा, बाइक पे भी जो है बहुत मसला होता है, मेट्रो आ गई है आजकल, अब जो है मेट्रो का सोल्यूशन जो है बहुत ही ऑप्टिमल है। तो आप जो है जो काम आप बार बार करते हैं उसके लिए फिर आप ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो डिफाइन करते हैं। ये सर्चिंग एल्गोरिदम भी हम जो है इंशाल्लाह इस